दोस्तों अक्सर कुछ चीजें हमारे पास रहते हैं, पर उसकी तरफ हमारी ध्यान कभी नहीं जाती है। जैसे कि ये बेबी ऑयल, क्या आपको पता है इस बेबी ऑयल से आप फेशियल करके कोरियन जैसी ग्लास स्किन पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बेबी ऑयल से कैसे फेशियल करना है वो दिखाऊंगी। पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बेबी ऑयल से फेशियल का 4 स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप ऑयल क्लींजिंग। इसके लिए आधा नींबू का रस में 2 चम्मच बेबी ऑयल और 1 चम्मच रोज वाटर ऐड करके तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसी से हमें फेस को क्लींजिंग करना है। पहले मैं इससे पूरे फेस को 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन पर मसाज कर लूंगी, फिर गर्म पानी में एक टॉवल को डिप करके पूरे फेस को धीरे धीरे अच्छे से क्लीन कर लूंगी। क्लींजिंग तो हो गया है, अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा ऑयल स्क्रबिंग। इसके लिए सबसे पहले 1 टेबलस्पून पीसा हुआ चीनी और 2 टेबलस्पून बेबी ऑयल, इन दोनों को एक साथ लेकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस ये बन गया हमारा ऑयल स्क्रब। अब इसी से हमें पूरे फेस को स्क्रबिंग करना है। स्क्रबिंग करते करते ऐसे बीच में मैं 1 मिनट के लिए फेस को थोड़ा सा स्टीम भी दे देती हूँ। ये जो ऑयल क्लींजर है ये इतना कमाल का है ना, इसको करने के बाद स्किन से एक तो सारे डेड स्किन बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और साथ में ये स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, एकदम क्लियर एंड ग्लोइंग बना देता है। तो स्क्रबिंग के बाद अब थर्ड स्टेप रहेगा फेशियल मसाज। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें 2 टेबलस्पून बेबी ऑयल, 2 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल और लास्ट में 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इन सारी चीजों को एक साथ लेकर बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है जब तक ये ऐसे क्रीम फॉर्म में आना जाए। अब इसी क्रीम से हमें 10 से 15 मिनट तक फेशियल मसाज करना होगा। फेशियल मसाज में मसाजिंग स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मसाज ही ठीक से नहीं करोगे तो आपको फेशियल का कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो में मैं जैसे जैसे आपको मसाजिंग स्टेप दिखाते जा रही हूँ वैसे आप सारे स्टेप को फॉलो करते जाओ। बस ध्यान रखना सारे स्टेप को आपको 10-15 टाइम्स करके रिपीट करना होगा। और आफ्टर मसाजिंग आप मेरे फेस को देख ही सकते हो, फेस पर कितना प्यारा सा चमक आ गया है। तो अब हमारी फेशियल की आखिरी स्टेप होगा शीट मास्क। शीट मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में थोड़ा सा चावल का पानी मैं ले लूंगी और फिर इसमें एक एक करके 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच बेबी ऑयल डाल देना है। और फिर सारे चीजों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक कॉइन शीट मास्क को डाल देना है और शीट मास्क को अच्छे से मिक्सर में डिप करके इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए फ्रीज में छोड़ देना है। और 10 मिनट बाद ठंडे ठंडे शीट मास्क को लेकर पूरे फेस पर अच्छे से हमें अप्लाई कर लेना है और फिर 20 मिनट के लिए आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है। दोस्तों शीट मास्क स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए एक अमेजिंग ऑप्शन है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट है, स्किन पे ग्लो नहीं है, तो आप शीट मास्क को जरूर ट्राई करना। तो 20 मिनट हो चुका है, अब मैं शीट मास्क को धीरे धीरे ऐसे फेस से निकाल लूंगी और लास्ट में फेस को एक बार मसाज करके ल्यूकोम वाटर से फेस को अच्छे से वॉश कर लूंगी। और बस यहाँ पर हमारा फेशियल होता है पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों इस फेशियल को करने के बाद आप मेरे स्किन पर फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, मेरा स्किन यहाँ पर कितना ग्लो कर रहा है और कितना ब्राइटन भी हो चुका है। तो आप भी घर पर थोड़ा सा टाइम निकल कर बेबी ऑयल से इस फेशियल को एक बार करके देखना, धीरे धीरे देखना आपकी स्किन भी ऐसे ही ग्लो करने लगेगा और काफी ब्राइट भी हो जाएगा।